आप देख रहे हैं विंध्य प्रदेश न्यूज 24। मैं आपके साथ मनीष दाहिया। तो खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन में चौरहटा थाना प्रभारी शिव पूजन के मार्गदर्शन में नवस्था चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार ने अपने हमराह स्टाफ के साथ मिलकर कोडीन युक्त नशीली कफ सिरप की बिक्री करने वाले आरोपी सहित इंडिगो कार को गिरफ्तार किया है। आगे जानकारी देते हुए चौकी प्रभारी ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर नशीली कप सिरप ले जाते हुए युवक को पुलिस ने पकड़ा है, जबकि नवस्था पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि लाल रंग की इंडिगो कार सहित नवस्था की तरफ कोडीन युक्त नशीली कप सिरप अवैध रूप से बिक्री हेतु ले जाया जा रहा है। तभी मुखबिर की सूचना के मुताबिक नवस्था चौकी पुलिस ने घेराबंदी कर दी और जैसे ही लाल रंग की इंडिगो कार दिखी तो पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें से पुलिस को 28 सीसी कोडीन युक्त सिरप बरामद हुई है। पुलिस ने वाहन सहित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहचान रजनीश सिंह पटेल, पिता सुरेंद्र सिंह पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी मध्यपुर के रूप में हुई है, जहां आरोपी को विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट ड्रग्स कंट्रोल अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चौरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवस्था चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है, जहां 28 सीसी नशीली कप सिरप के साथ रजनीश पटेल सुरेंद्र पटेल उर्फ उम्र 22 वर्ष निवासी मध्यपुर को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही की गई है, कोरेक्स पकड़ी गई है, क्या है पूरा मामला? आज पुलिस को सुबह सूचना मिली कि मध्यपुर का रजनीश पटेल पिता पटेल 22 वर्ष कार इंडिगो कार नंबर है एमपी 17CA1182 से कोडीनयुक्त सिरप बिक्री हेतु नवस्था तरफ ला रहा। सूचना पर हम लोग मध्यपुर रेलवे पटरी के पास नाकाबंदी किए, जो ये कार में 28 सीसी 100 ml वाली कोडीन सिरप लाके पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 0 और 321 धारा 8, 21, 22, 25, 25 एनडीपीएस एक्ट के 5 जिला कंट्रोल अधिनियम पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करके जेल न्यायालय भेजा गया था, जहाँ से जेल चला गया। लगभग कोडीन युक्त सिरप की कीमत कितनी आंकी जा रही है? 5,600। इसके पहले कई मामले और पंजीबद्ध हैं इसके खिलाफ? हाँ, ये आपका अपराधी है, बलात्कार में जेल गया है और कई अन्य मामलों में जेल गया है। अब आगे क्या मानना है कि आरोपी जेल चला जाएगा या छूट के आएगा?